गाइस यार पति कपड़े धो रहा होता है तभी वहाँ पर पत्नी बहुत सारे कपड़ों को लेकर आती है। ये ले करूँ सारे कपड़े तुम्हें धोने हैं। चमेली वाली बात से बदला ले रही हो वो तो तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इतने सारे कपड़े नहीं धोऊंगा, ले जाइए कपड़े तो तुम्हें कैसे भी करके धोने, अगर नहीं धोए तो देख लेना। ये बोलकर पत्नी चली जाती है। चली गई महारानी, बोलकर अब धोने तो पड़ेंगे। आदमी सारे कपड़े को धोकर धूप में सुखाने के लिए लगा रहा होता है। पास में झाड़ू लगा रही होती है, झाड़ू लगने की वजह से सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। ये क्या किया चुड़ैल ने, सारे कपड़े बिगाड़ दिए। ने मेरा मुंह देख के क्या खड़ा है, सारे कपड़े दोबारा धोके मुझसे जान बुझ कर बदला ले रही है, कितना परेशान करती है मुझे। आदमी बहुत ही थका रहा, आकर खाने के लिए बैठता है। अच्छा चंपा देख के आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो खाना शुरू करते हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये खाना तुम्हारे लिए नहीं। क्या बात कर रही हो चंपा, तो मेरे लिए कौन सा खाना बना है? देख सामने ईंटें देख रहा है, वही खाना है तुझे। इसे मैं कैसे खा सकता हूं? ये सारा खाना मेरे लिए बना है, तेरे लिए नहीं। खाना है तो खा वरना भाड़ में जा। ये बोलकर पत्नी खाना खाने लगती है। तो चुड़ैल कैसे अकेले अकेले खा रही है, मुझे भी दो ना थोड़ा सा खाना। मना किया ना तुझे, तू ये नहीं खाएगा ईंटें। फिर आदमी सच में ईंटें खाने लगता है। गाइस यार पठान मूवी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करो।